Hello everyone, in this lecture we are going to learn about how to convert the given PDA to the context-free grammar, means the CFG. The grammar we form karna hai, to be context-free grammar hoga from the given CFG. If you look at this CFG, which is written transition functions, in the transition functions, there are three elements, which is telling us what is current state, this is telling us what is input, kya hai. और थर्ड वाला बता रहा है कि स्टैक के टॉप पे अभी करंटली कौन सा एलिमेंट है. इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक जो एक्शन लिया जा रहा है कि हम Q0 स्टेट में जा रहे हैं और स्टैक के टॉप पे एक्स को पुश कर दिया जा रहा है. स्टैक के टॉप पे ऑलरेडी Z0 था, अब हम इसमें एक्स को इसमें पुश कर देंगे. तो ये जो हमारा ऑपरेशन है वो एक पुश ऑपरेशन डिनोट करता है. सिमिलरली ये जो सेकेंड वाला ट्रांजिशन फंक्शन है कि हम Q0 स्टेट में है और इनपुट इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, तो सेकंड वाला जो हमारा ट्रांजिशन वो बता रहा है कि Q0 स्टेट में करंटली हम हैं और वन इनपुट सिंबल आया, स्टैक के टॉप पे एक्स था, तो एक्स तो उस पर है ही है, हम एक एक्स और इसमें पुश कर देते हैं. सो ये जो ऑपरेशन हमारा है, जो सेकंड वाला है, वो पुश ऑपरेशन को डिनोट करता है. जो थर्ड ऑपरेशन है वो ये कह रहा है कि Q0 स्टेट में हम हैं और स्टैक के टॉप पे सॉरी मुझे इनपुट सिंबल 0 मिला और स्टैक के टॉप पे एक्स है. इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे बस यही एक्शन लेना है कि जो एक्स है उसको एक्स ही रहने देना है. इसका मतलब कि ये एक स्किप ऑपरेशन है. स्किप का मतलब ये कि मैंने स्टैक के सिंबल को कोई भी चेंज नहीं किया. फिर इसके बाद ये जो प्रोडक्शन है, ये जो ट्रांजिशन है बता रहा है कि Q1 स्टेट में है, वन इनपुट आया, स्टैक का टॉप एक्स है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक्स को पॉप कर दे रहे हैं. Q1 कॉमा एप्सिलॉन का मतलब है कि हम इसमें पॉप कर देंगे. फिर इसके बाद ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि या ये वाला जो ट्रांजिशन फंक्शन है कह रहा है कि Q0 स्टेट में करंटली हम है, 0 मेरा इनपुट आया, Z0 स्टैक का टॉप है या स्टैक का बॉटम आप मान लीजिए, और Q0 को हम Q0 स्टेट में मूव करते हैं और Z0 सिंबल को Z0 रहने देते हैं. इसका मतलब ये है कि ये स्किप ऑपरेशन है. जो सिक्स नंबर ट्रांजिशन है वो बता रहा है कि Q0 स्टेट में करंटली हम है और एप्सिलॉन सिंबल इनपुट आया, Z0 मेरा स्टैक का टॉप है, तो मैंने Z0 सिंबल को पॉप कर लिया. इसका मतलब कि ये पॉप ऑपरेशन है. ये जो मुझे ऑपरेशंस दिख रहे हैं, ये ऑपरेशंस मुझे ये सिग्निफाई करते हैं कि जो एंड होना है या जो टर्मिनेशन होना है वो एम्प्टी स्टैक से होना है. और दो तरह से पॉसिबल है किसी पीडीए का एंड होना, या तो हम फाइनल स्टैक पर पहुंच गए या फिर स्टैक एम्प्टी हो गया है. तो यहाँ पे स्टैक की एम्प्टीनेस से डिक्लेयर हो रहा है कि जो स्ट्रिंग गिवन है वो एक्सेप्ट हो गई है और पीडीए का एंड हो गया है या पीडीए ने फाइनली उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया है. तो इस तरह के जब भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे जहां पे मुझे गिवन पीडीए को कन्वर्ट करना है सीएफजी में, तो आपको पता होना चाहिए पहले कि सीएफजी को हम कैसे डिनोट करते हैं. तो सीएफजी में चार टपल्स होते हैं. पहला टपल है सेट ऑफ वेरिएबल्स, सेट ऑफ टर्मिनल्स और एक स्टार्ट स्टेट और प्रोडक्शंस. तो V denotes the variables, T denotes the terminals, S denotes the start symbol and P is actually the productions. तो हमारे इस ग्रामर में या फिर इस पीडीए से कौन कौन से वेरिएबल्स बनेंगे वी डू नॉट नो, बट वी नो द टर्मिनल्स. आप देख सकते हैं कि जो इनपुट सिंबल्स आपके पास है वो 1 या 0 ही हैं. तो इसका मतलब मुझे ये पता है कि इस ग्रामर में जो टर्मिनल्स होंगे वो 0 और 1 ही होंगे. यहाँ मुझे ये भी पता है कि स्टार्ट सिंबल एस ही होगा और मुझे प्रोडक्शन अभी पता करना है. तो वेरिएबल्स और प्रोडक्शन मुझे पता करना है. इस वीडियो को देख के आप ये भी बता सकते हैं कि आपके पास दो स्टेट्स हैं, Q0 एंड Q1 स्टेट. तो दो तरह के रूल्स हमारे पास यहाँ पे वर्क करेंगे. पहला वो रूल होगा जिसमें कि हम स्टार्ट सिंबल के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे Q0 और Q1 दो स्टेट्स हैं और स्टैक का जो टॉप है वो Z0 है, तो मैं दो प्रोडक्शन लिख रहा हूँ स्टार्ट सिंबल के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि मेरे पास Q0 और Q1 दो स्टेट्स हैं. तो जो पहला प्रोडक्शन हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि S प्रोड्यूसेस Q0, Z0 एंड Q0. एंड देन इसके बाद दूसरा हम प्रोडक्शन लिख रहे हैं S प्रोड्यूसेस Q0, Z0 एंड Q1. सो ये मेरा सेकेंड प्रोडक्शन है. रूल के हिसाब से मैंने
ये दोनों प्रोडक्शन लिख लिया। अगर मेरे पास तीन स्टेट्स होते तो मैं यहाँ पे 3S से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शंस को लिखता। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जितने भी पुश ऑपरेशन वाले ट्रांजिशंस हैं हम उनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शंस लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि हमने पहला प्रोडक्शन पुश वाला पिक किया है, पहला जो ट्रांजिशन है, सो Q01Z0 इज इक्वल टू Q0XNZ0, Q0XZ0 नॉट X,Z0। तो इसका मतलब है कि स्टैक के टॉप पे दो सिंबल्स से आ रहे हैं, एक्स और जेड नॉट। जेड नॉट पहले से था, एक्स को हमने इसमें पुश कर दिया। तो इस प्रोडक्शन को हम कैसे लिखेंगे, इसके कोरिस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन को, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि स्टैक के टॉप पे दो सिंबल्स जा रहे हैं। चूंकि दो सिंबल्स जा रहे हैं इसका मतलब है कि 2² मतलब कि चार प्रोडक्शन हमारे बनाए जाएंगे। और ये जो चार प्रोडक्शन हैं उसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं Q0, मतलब कि ये जो सिंबल है, जो कि चार प्रोडक्शंस बन रहे हैं इसलिए हम चार ब्रैकेट्स ऐसे बना लेते हैं। और इन सभी में जो पहला टर्म लिखा जाएगा वो Q0 लिखा जाएगा। इसके बाद इसमें जो दूसरा टर्म लिखा जाएगा वो ये थर्ड वाला जो पार्ट है वो लिखा जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ आएगा Z0, यहाँ भी आएगा Z0, यहाँ भी आएगा Z0 और यहाँ पे भी आएगा Z0। फिर इसके बाद तीसरा पार्ट अभी हम डिसाइड करते हैं, वी विल डिसाइड अबाउट द थर्ड पार्ट लेटर। एंड दिस एक्चुअली प्रोड्यूसेस द टू थिंग्स, ये हम ब्रैकेट्स बना लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिशन है उसमें बीच वाला पार्ट, जो मिडिल वाला पार्ट है, वो पहला एलिमेंट बन जाएगा इसका प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे भी बनाएगा, यहाँ पे भी बनाएगा और यहाँ पे भी बनाएगा। तो ये जो मिडिल वाला पार्ट है चारों के लिए स्टार्ट वाला पार्ट बन जाएगा, प्रोडक्शन का स्टार्ट वाला पार्ट, मतलब कि ये टर्मिनल होगा। अंदर की एंट्री करते हैं, अंदर की एंट्री करने के लिए जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसमें अंदर की एंट्री करने के लिए अगर यहाँ पे Q0 गिवन है तो इन सभी में Q0 होगा। तो पहला पार्ट हमने ये लिख दिया। X और Z0 दो टर्म्स हैं इसमें, तो पहले वाले में आएगा X और दूसरे वाले में आएगा Z0, पहले वाले में X और दूसरे वाले में Z0, पहले वाले में X और दूसरे वाले में Z0, पहले वाले में X और दूसरे वाले में Z0। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो हमारा प्रोडक्शन हमारा बन रहा है, इस प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में जो लास्ट एंट्री है वो स्टेट्स की इस एंट्रीज में हम कर देते हैं। दो बार हम Q0 लिख देते हैं यहाँ पे और दो बार Q1 लिख देते हैं। जो पार्ट हमने यहाँ पे लिखा है राइट हैंड साइड के लास्ट वाले पार्ट में भी यही आएगा, Q0 Q0 Q1 एंड Q1। लिखने का तरीका ये भी है कि हम जो फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं राइट हैंड साइड का उसमें लास्ट एलिमेंट लिखा जाएगा Q0 स्टेट और यहाँ पे Q1 स्टेट, यहाँ पे Q0 स्टेट और यहाँ पे Q1 स्टेट। जो चीज आपने यहाँ लिखी है राइट हैंड साइड वाले पार्ट में भी ऐसा ही लिखा जाएगा, सेम Q0 सेम Q1 सेम Q0 एंड सेम Q1, ये वाला पार्ट इसके बिल्कुल यही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने चार प्रोडक्शंस लिख लिए हैं, 1 2 3 और 4 प्रोडक्शंस। इसकी नंबरिंग करने के लिए थोड़ा सा हम डिफरेंट कर लेते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी दो प्रोडक्शन एस वाले बना लिया है, तो 5 6 7 एंड 8। इसके बाद हम नेक्स्ट पुश वाला ऑपरेशन पिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पुश वाला जो ऑपरेशन है वो कह रहा है कि Q0 1X इक्वल टू Q0XX। इसके प्रोडक्शन कैसे बनेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में या फिर जो स्टैक में टू एलिमेंट्स हैं तो वन सेकेंड ऐसा ही होगा कि 2² मतलब चार प्रोडक्शंस बनेंगे। तो चार प्रोडक्शन बनाने के लिए 1 2 3 एंड 4, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया। चूंकि दो एलिमेंट्स हैं इसलिए राइट हैंड साइड में भी दो पार्ट्स होंगे, 1 एंड 2, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए एंड सेकेंड पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। आइए इसके अंदर की एंट्री करते हैं। और सबसे पहले ये जो Q0 है
वो यहाँ सब में लिखा जाएगा, क्यू जीरो क्यू जीरो क्यू जीरो एंड क्यू जीरो। ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें वो मिडिल पार्ट बनेगा इसका, एक्स 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 और एक्स। फाइन, ये जो वन है वो मेरा स्टार्टिंग वाला पार्ट बन जाएगा, वन 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 एंड वन। नाउ आफ्टर दिस, ये जो क्यू जीरो है वो पहले वाले पार्ट में सब जगह लिखा जाएगा, क्यू जीरो क्यू जीरो क्यू जीरो एंड क्यू जीरो। इस स्टैक में दो एलिमेंट्स जा रहे हैं एक्स एक्स, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इसका कर लेते हैं, एक्स 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 और एक्स। क्योंकि दो स्टेट्स हैं क्यू जीरो एंड क्यू वन, तो पहले क्यू जीरो क्यू जीरो एंड क्यू वन क्यू वन। जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वहां पे भी क्यू जीरो क्यू जीरो एंड देन क्यू वन एंड क्यू वन। फिर यहां रिपीट करना है क्यू जीरो क्यू वन एंड क्यू जीरो क्यू वन। जो पार्ट हमने यहां पे लिखा है वही यहां पे लिखेंगे, इसका मतलब कि यहाँ पे क्यू जीरो लिखा, यहाँ पे क्यू वन लिखा, यहाँ पे क्यू जीरो लिखा और यहाँ पे क्यू वन लिखा। तो जितने भी पुश ऑपरेशंस थे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों ने प्रोडक्शंस लिख लिए हैं। नंबरिंग इसकी भी कर देते हैं, 9, 10, 11 एंड 12। सो 12 प्रोडक्शंस हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिए हैं। नंबरिंग मेरे से शायद फिर से गलत हो गई है, क्योंकि 1, 2 के बाद 3, 4, 5, 6 आना चाहिए था। कोई बात नहीं, आई एम नंबरिंग इसको सही कर लेते हैं। ओके, सो 10 प्रोडक्शंस हम लोगों ने लिख लिए। अभी भी अभी हम लोगों ने केवल पुश ऑपरेशंस के लिए बनाया था, अब आई एम पॉप ऑपरेशंस के लिए अपने प्रोडक्शंस बनाते हैं। पॉप ऑपरेशन, ओके, सो यहाँ पे कैसे प्रोडक्शन बनेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू वन और यहाँ लिखेंगे एक्स, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हम बाद में डिसाइड करते हैं, और राइट हैंड साइड वाले पार्ट में आ जाएगा ये वाला वन। ओके, सो दिस वन इज कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज द फर्स्ट पॉप ऑपरेशन। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जो जो सिंबल लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है क्यू वन वही हम इसमें लिख देते हैं। दूसरा हमारा जो पॉप वाला प्रोडक्शन है दैट इज, ओके, तो इसके लिए कैसे लिखा जाएगा, एक क्यू जीरो लिखा जाएगा, जेड जीरो को हम बीच में लिखेंगे और क्यू जीरो को हम रिपीट करेंगे, एंड दिस एक्चुअली प्रोड्यूसेस दिस वन एप्साइलन। ओके, सो दिस इज फॉर द पॉप। नाउ आफ्टर दिस आई विल राइट द प्रोडक्शंस फॉर द स्किप। आईएस की नंबरिंग कर देते हैं, जो हमने नए प्रोडक्शंस पॉप के कॉरेस्पॉन्डिंग बनाए हैं। सो दिस विल बी 11 नंबर प्रोडक्शन एंड दिस विल बी 12 नंबर प्रोडक्शन। नाउ आफ्टर दिस हम स्किप वाले प्रोडक्शंस के लिए प्रोडक्शन लिखते हैं। तो चूंकि राइट आप देख सकते हैं कि स्टैक के टॉप पे केवल एक ही सिंबल जा रहा है, तो 2 रेस्ट टू द पावर 1, इसका मतलब कि दो हमारे पास प्रोडक्शंस बनेंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो पहला प्रोडक्शन उसका लेफ्ट हैंड साइड और पहले प्रोडक्शन का राइट हैंड साइड। ओके, एंड इसी तरह से जो दूसरा प्रोडक्शन है उसका लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे प्रोडक्शन का ये हो गया राइट हैंड साइड। सिंबल्स कैसे लिखे जाएंगे, ये जो क्यू जीरो है वो यहाँ लिखा जाएगा, सो क्यू जीरो क्यू जीरो। जो थर्ड एलिमेंट है मतलब एक्स वो बीच में आ जाएगा, एक्स एक्स। और राइट हैंड साइड में कैसे लिखा जाएगा, ये जो क्यू जीरो है राइट हैंड साइड का वो ऐसे लिखा जाएगा, क्यू जीरो क्यू जीरो, और बीच में सिंबल ये वाला आएगा एक्स, दिस एक्स। यहाँ लिखा जाएगा क्यू जीरो क्यू वन और सेम चीज यहाँ पे भी आएगा, क्यू जीरो एंड क्यू वन। सो दिस इज दी दीज आर द टू मोर प्रोडक्शंस, दिस इज लेट से प्रोडक्शन नंबर 13 एंड प्रोडक्शन नंबर 14। एक मेरे पास स्किप ऑपरेशन और है, हम उसके लिए भी प्रोडक्शन लिखेंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं कि स्टैक के टॉप पे केवल एक सिंबल जा रहा है जेड जीरो, इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन इससे बनेंगे वो 2 रेस्ट टू द पावर 1, यानी कि मेरे पास 2 प्रोडक्शन इससे बनेंगे। 2 प्रोडक्शन जो इससे बनेंगे उसका
ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्यू जीरो आएगा, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन हमारा डिफाइंड है उसमें भी क्यू जीरो है। बीच वाला पार्ट होगा जेड जीरो दोनों में, और ये जो जीरो है वो इधर आ जाएगा, जीरो एंड जीरो। एक छोटी सी गलती मेरे से हुई है, ये जो स्किप वाला पार्ट है, ये जो जीरो आएगा वो यहाँ पे आएगा, जीरो एंड जीरो। फाइन, इस वाले पार्ट में भी चूंकि जीरो है तो जीरो यहाँ पे बिगिनिंग में आ जाएगा, और यहाँ अंदर लिखा जाएगा ये वाला क्यू जीरो और ये वाला क्यू जीरो। ओके, एंड देन चूंकि स्टैक के टॉप पे केवल एक ही एलिमेंट है, जेड जीरो एंड जेड जीरो यहाँ पे, एंड जो थर्ड पार्ट है उसको लिखने के लिए यहाँ पे क्यू जीरो क्यू वन, और वही चीज यहाँ रिपीट हो जाएगी, क्यू जीरो एंड क्यू वन। सो इस तरह से हम लोगों ने जो प्रोडक्शंस बनाए हैं, इन प्रोडक्शंस को हम लोगों ने नंबर किया है फ्रॉम 1 to 16। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो हमने यहाँ पे बनाए हैं वो बनाए हैं 16। तो अभी तक हम लोगों ने 16 प्रोडक्शंस जो बना लिए हैं, अब इनको बहुत ही ऐसे बल्कि प्रोडक्शंस हमारे दिख रहे हैं, इनको थोड़ा हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमने जो कन्वर्जन किया है वो ऐसे कन्वर्जन किया कि क्यू जीरो जेड जीरो एंड क्यू जीरो, ये जहां पे भी आएगा हम उसको ए से रिप्लेस कर देंगे, और इसी तरह से जहां पे क्यू जीरो जेड जीरो और क्यू वन आएगा उसको हम बी से रिप्लेस कर देंगे, जहां पे भी क्यू जीरो सॉरी क्यू वन जेड जीरो एंड क्यू जीरो आएगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे सी से, जहां पे भी क्यू वन जेड जीरो एंड क्यू वन आएगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे डी से। तो ये हम लोगों ने चार डिफरेंट प्रोडक्शंस के लिए रूल डिफाइन कर लिए। इसी तरह से हम हमारे पास कुछ और सिनेरियोज आ रहे हैं, हम उनके लिए भी कुछ सिंबल्स अपनी तरफ से बना लेते हैं। जैसे मेरे पास आ रहा है क्यू जीरो एक्स एंड क्यू जीरो, लेट्स से हम इसको डिनोट करेंगे सिंबल पी से, और लेट से हमारे पास आता है क्यू जीरो एक्स एंड क्यू वन, इसको हम डिनोट करेंगे लेट से एफ से, और लेट से हमारे पास क्यू जीरो, सो क्यू जीरो से हो चुके हैं सारे क्यू वन वाले, क्यू वन एक्स एंड देन क्यू जीरो, ये जब आएगा तो इसको हम डिनोट करेंगे जी से, और अगर आएगा क्यू वन एक्स और क्यू वन तो इसको हम डिनोट करेंगे लेट से एच से। तो जो हमने 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए हैं इसमें क्यू जीरो क्यू वन का, आपको पता होगा कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 0 1 10 एंड 11। तो चूंकि ये चार कॉम्बिनेशन होते हैं तो हमने भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किया, क्यू जीरो क्यू जीरो क्यू जीरो क्यू वन, क्यू वन क्यू जीरो एंड क्यू वन क्यू वन। तो इसी आधार पे हमने ये 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना लिए हैं। सो इफ आई रिप्लेस ईच ऑफ द प्रोडक्शन दैट वी फॉर्म मीन्स दो 16 प्रोडक्शन विद द शॉर्टकट्स, देन आई गेट ऑल दीज प्रोडक्शन 1 to 16। और इसमें जो प्रोडक्शंस ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है उनको मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया है। ये हमारे प्रोडक्शंस हैं फॉर द गिवन पीडीएस, लेकिन अभी इस पीडीए में कुछ ऐसे प्रोडक्शंस हैं, इस सीएफजी में कुछ ऐसे प्रोडक्शंस हैं जो कि यूजलेस प्रोडक्शंस हैं। तो आइए हम उन यूजलेस प्रोडक्शंस को हटाने का प्रयास करते हैं। तो यूजलेस प्रोडक्शंस होंगे जो कि नॉन जनरेटिंग होंगे और नॉन रीचेबल होंगे। तो सबसे पहले हम नॉन जनरेटिंग सिंबल्स देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्शंस हैं जो कि टर्मिनल सिंबल प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए पहला सिंबल बी, बी प्रोड्यूस करता है 1EB को,
और जो ई सिंबल है वो प्रोड्यूस करता है 1EE को, और जो ई है उसका हम फर्दर कोई अगर कोई एक्सपेंशन देखें, लेट से हम ई को 0G से रिप्लेस करते हैं, तो जी जो सिंबल है वो उसका तो प्रोडक्शन ही अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले तो जी जो है वो नॉन जनरेटिंग हो गया। अब चूंकि हम ई से भी टर्मिनल सिंबल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ई भी नॉन जनरेटिंग हो गया, और सिमिलरली बी भी नॉन जनरेटिंग हो जाएगा। तो तीन सिंबल्स ऐसे हैं बी ई और जी जो कि अभी मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि नॉन जनरेटिंग है। अगर आप सिंबल डी को देखें, सो डी प्रोड्यूस करता है 0B, तो अगर डी 0B प्रोड्यूस करता है तो बी अभी हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है कि नॉन जनरेटिंग है, तो डी भी नॉन जनरेटिंग हो गया। चार सिंबल्स ऐसे मिल गए जो कि नॉन जनरेटिंग है। तो बी ई जी और डी में से स्टार्ट होने वाले या कंटेन करने वाले सारे प्रोडक्शंस को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये सारे नॉन जनरेटिंग है, बाकी सारे सिंबल जनरेटिंग है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए इस प्रोडक्शन रूल्स को हम दोबारा से लिखते हैं। तो सबसे पहले एस प्रोड्यूसेस ए और एस प्रोड्यूसेस बी हट जाएगा, जो ए है वो जनरेटिंग सिंबल है, ए प्रोड्यूसेस ई ए हट जाएगा क्योंकि ई वाले प्रोडक्शन हमें हटाने हैं, एफ सी हमें रखना है, एप्सलॉन हमें रखना है, बी वाले सारे प्रोडक्शन हट जाएंगे, ई वाले सारे प्रोडक्शन हट जाएंगे, डी वाले सारे प्रोडक्शन हट जाएंगे, एफ वाले हम प्रोडक्शन को रखेंगे लेकिन एफ के उन्हीं प्रोडक्शन को रखेंगे जो कि ई कंटेन नहीं करता है। तो 1FH एंड 0H, इसके बाद एच प्रोड्यूसेस 1, देन सी प्रोड्यूसेस 0A। सो दीज आर द सिंप्लीफाइड ग्रामर प्रोडक्शंस और गिवन पीडीए के लिए हम लोगों ने सीएफजी में कन्वर्जन कर लिया। तो ग्रामर के रूल को एक बार फिर से देखते हैं। सेट ऑफ वर्टिसेस, टर्मिनल्स, प्रोडक्शंस एंड स्टार्ट सिंबल, ये चारों चीजें होंगी। तो जो वेरिएबल्स हमें मिल रहे हैं वो वेरिएबल्स कौन कौन से हुए, एस वेरिएबल हुआ, ए हुआ, एफ हुआ, सी हुआ और एच हुआ। टर्मिनल सिंबल्स हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था, 0 और 1 है, स्टार्ट सिंबल मेरे लिए एस है, और जो प्रोडक्शन है वो हमने ऑलरेडी यहाँ डिफाइन कर दिया है। आप इन प्रोडक्शंस को कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो दीज आर द सिंप्लीफाइड सीएफजी एंड वी हैव एक्चुअली कन्वर्टेड द पीडीए टू द सीएफजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन विद सम मोर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द सीएफजी एंड द पीडीए।